एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डिको श्वेता, देख रहे हो। सो के उठने के बाद भी मैं जोश लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी अभी मैं उठी हूँ फिलहाल। और ये वीडियो आप लोगों को सोच के लग रहा होगा कि है क्या, तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि घर का व्लॉग। तो थोड़ा सा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हुई हूँ फिलहाल। बट मैं सोची कि आज मेरा लास्ट डे तो नहीं कह सकते, बट हाँ कल मेरा 11 बजे का या फिर जो भी रात को ट्रेन है, तो तब तक के लिए घर का व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि फिर हम लोग आएंगे 1 साल बाद या कब पता नहीं, तो ये व्लॉग देख के यादें ताज़ा कर लेंगे यार। तो बहुत हो गया सेंटी बातें, फ़िलहाल हम लोग उठ गए हैं, तो थोड़ा आवाज़ वियर्ड आ रहा होगा तो अवॉइड कर लेना, क्योंकि अभी उठी हूँ यार। बाकी पूजा का काम जो था वो अभी पापा जी या कृष्ण कर लिया होगा, तो हम लोग बाकी काम करते हैं। पहले रूम ठीक करना है, फिर आज जो काम करने आती थी मेल जो थी वो नहीं आई हुई हैं, तो फिर जानते हो यार ये सब काम भी करना पड़ता है, फिर तो वो भी काम करना है। तो यार ज़्यादा लेट नहीं करते वरना पीछे से आवाज़ आ जाएगा और साथ ही बर्तन फेंका हुआ आ जाएगा, क्योंकि पिटाई पड़ जाएगी। तो चलो चलो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा काम चालू होता है, जो कि बेड ठीक करना था, ब्लैंकेट फोल्ड करना था और उसको जगह पे डालना था, तो वो सारा काम कर लिया हमने। तो ये किचन भी बहारना है मुझे, फिर ये रूम भी बहारना है, ये रूम हमारा ड्रेसिंग रूम जैसा है तो यहाँ पे भी बहारना है मुझे, और फिर ये हॉल पूरा बहारना है मुझे, और ये रूम थोड़ा चिदराया हुआ होगा क्योंकि अभी पैकिंग वैकिंग चल रहा था तो उस वजह से, और फिर ये रूम भी बहारना है मुझे फिलहाल। टफ तो है घर का ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि अब मुझे ट्राईपॉड तो मैं हर जगह लेके नहीं जा सकती, तो मैंने कैमरा का एंगल इतना सेट कर दिया है, इतना लो सेट हो गया है ये कि मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, बट इट्स फाइन, थोड़ी मेहनत तो चलती है। चलो यार ज़्यादा जल्दी गिल्दी करते हो। तो यहाँ पे हमने बहारना स्टार्ट किया, हम लोगों ने किचन कर लिया था, बाकी रूम भी कर लिया था, एक हम लोग का मतलब जो दूसरा रूम था एक बचा था और ये हॉल बचा था, वो दोनों भी करने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैमरा अच्छे से फोकस नहीं ले रहा, फिर मैंने कैमरा को ठीक किया। उसके बाद हम लोग फ्रेश होने गए, फ्रेश होने के बाद हमने बनाया था नाश्ता, नाश्ता करने के बाद में नाश्ता में था नमकी, नाश्ता करने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मम्मी के साथ गए थे डांस क्लास, मम्मी लोग का फंक्शन था, उसके बाद वहाँ से आने के बाद दोस्तों के साथ में मिले थे, जहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, खाने के बाद में थोड़ी बातें शातें करी हमने दोस्तों के साथ में, प्रेरणा और प्रतिष्ठा दोनों आए हुए थे तो उनके साथ बातचीत करने के बाद में कॉलेज की बात तो बताने के बाद में, फिर हमने बनाया मोमो घर पे, क्योंकि हमारा लास्ट डे था तो मोमो बहुत पसंद है मुझे, तो हमने मम्मी का मदद करा। मोमो किसको किसको पसंद है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन पे, और आप लोग घर पे बनाते हो या बाहर से खाना ज़्यादा प्रेफर करते हो। मुझे घर का बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा खा सकते हैं यार, बाहर का कितना ही खाएंगे, तो इसलिए घर पे बनाया। उसके बाद हमने चटनी पीसा, जो कि टमाटर का चटनी, बहुत तीता था एकदम, बहुत मज़ा भी आ गया। आप लोग बताओ, आप लोग मोमो के साथ में कौन सा चटनी खाते हो, कि अभी भी आप लोग सॉस ही खाते हो, ये भी बताना ज़रूर। और हमने मोमो बनाने के बाद में मोमो को स्टीम करने के लिए चढ़ा दिया था, और यहाँ पर हम लोग सबको बात करने लगे थे, अपनी पुरानी बातों को याद करके हंसे जा रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे, मज़ा आया। पानी पूरा पीते रहना, पानी पूरा ठंड रखा ना। फिर आएगी दो अगला साल ही आएगी। हाँ। फिर कब मिलने का मेरा प्लान है? दिसंबर में अगर कजिन ट्रिप सक्सेसफुल हो पाता है तो तब मिलेंगे हम लोग। होगा सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपने देखा, हम लोगों ने कहा सबको एक गुड बाय कह के, बाय कह के और निकल गए थे अब हम लोग अपने स्टेशन के लिए। तो स्टेशन जाने में बहुत बुरा भी लग रहा था, रोना भी आ रहा था यार, बहुत घर का याद आने लगा था मुझे भी। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं अब जा रही हूँ वापस बैंगलोर, तो यहाँ से मुझे कलकत्ता जाना है कलकत्ता का स्टेशन के लिए। बाकी मेरे पापा अभी हैं, और पापा और भाई दोनों आए हुए हैं छोड़ने के लिए। मैं घर पर स्टार्ट नहीं कर पाई थी ब्लॉग क्योंकि बहुत काम था, बट इट्स फाइन, अभी चलते हैं हम साथ में।
जैसे ही अंधेरा होते गया मुझे घर का याद और ज़्यादा आते गया, क्योंकि मुझे बचपन की बातें याद आ रही थी, जब मैं अकेले मतलब जब मैं घर वालों के साथ ट्रैवल करती थी। मैं और मेरे भाई कितना ज़्यादा लड़ते थे, अब कोई लड़ने वाला भी नहीं था, वो विंडो साइड सीट के लिए या अपर सीट के लिए। आप लोग बताओ कैसा, कौन सा सीट पसंद है आप लोग को। फिर बहुत याद आ रही थी यार घर की, पहले कहाँ पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करना, अब हमेशा अकेले ट्रैवल करना, मतलब मोस्टली अकेले ट्रैवल करना होता था। वो सारी बातों को याद करके फिर मैंने सोचा थोड़ा घर का और याद आ जाइए खाना खा के। मुझे चोखा वाला चावल बहुत पसंद है, तो मम्मी ने चोखा वाला चावल बनाया था, और वो खाने के बाद थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, और नेक्स्ट डे सुबह को आंखें खुली और हम लोग पहुंच गए थे कलकत्ता। तो हम लोग कलकत्ता स्टेशन पहुंच गए, हम लोग को यहाँ से फ्लाइट के लिए निकलना है एयरपोर्ट में। तो चलो जल्दी कैब बुक करते हम लोग जाके। तो फाइनली हम लोग अपने वेटिंग एरिया पे आ गए। आज दिक्कत क्या हो रहा था, मैं सोची थी आज जल्दी कर लूँगी, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेरा टिकट था उसमें PNR नंबर नहीं मिल रहा था मुझे, तो वो DG यात्रा वाला पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे चेक इन में, बट उतना टाइम तो नहीं लगा। आई गेस मेरा वॉइस थोड़ा क्लियर आ रहा हो क्योंकि थोड़ा शोर शराबा हो रहा। बाकी हम लोगों ने चेक इन करते वक्त में बाकी सारा चल गया, और इस बार ऐसा हुआ कि पहली बार मेरा बैग वैग में कुछ लटका नहीं, वरना मैं हमेशा भूल जाती थी, या तो फिर मैं पर्स भूल जाती थी, या तो फिर मैं छाता रखना भूल जाती थी वो ट्रिप पे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता। बट इस बार मुझे सारा चीज़ याद रहा। तो अब हम लोग वेटिंग एरिया पे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ ब्रश वगैरह कर लूँ यहीं पर एटलीस्ट, और तब तक के लिए चलो हमारे साथ। और फिर हमने बोर्ड कर लिया अपने फ्लाइट पे, और हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। बाकी मुझे तो पता नहीं आजकल क्या हो जाता है, फ्लाइट में चढ़ते के साथ मुझे बहुत नींद आ जाता है। मैं सो गई थी फ्लाइट में चढ़ने के बाद ही, मैंने सोचा था एडिट करूँगी बट वो सब हुआ नहीं, मैं सो गई थी। और फिर हम लोग उतरे बैंगलोर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सीनरी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया, और फिर चले गए हम लोग अपना ट्रॉली लेने के लिए जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ था। लगेज ले लिया, बाकी काफ़ी भीड़ था उस तरफ, बैगेज नंबर 7 साइड से लेना था हमें, तो नहीं ले लिया। चलो कैब बुक करते हैं और चलते हैं कॉलेज। ट्रैवल करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट आज बहुत सारा काम था, मुझे कॉलेज में एडमिशन भी कराना था अपना, मतलब सारा फ़ी पेमेंट्स वगैरह आज ही निपटाना था, और मैंने सोचा था प्रैक्टिकल्स अटेंड कर लेंगे, बट पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया था मुझे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं हॉस्टल। वो मैंने फ़ीस वगैरह का आने के बाद मैंने फ़ीस वगैरह का काम किया था, तो उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो गया था। मैं सोची थी मैं प्रैक्टिकल्स अटेंड कर लूँगी, क्योंकि मैं 1 o'clock के आसपास मैं लैंड मतलब हॉस्टल पहुंच गई थी, बट मुझे फ़ीस वगैरह करने में टाइम लग गया, जिस वजह से मेरा प्रैक्टिकल का टाइम कब मतलब ओवर हो चुका था, 3 या 2:30 2:45 ऐसा कुछ हो चुका था। तो मैंने सोचा अब कल से ही अटेंड करते हैं, आज बाकी काम निपटा देते हैं। बट मैं आने के बाद इतना थक गई थी कि मैं सो गई, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। बट कोई बात नहीं, अभी मैं आपको रूम का हाल दिखाती हूँ। मैं वैसे में ही सो गई थी, मैंने आके थोड़ा सा भी ठीक नहीं किया मुझे, जबकि बहुत ज़्यादा ठीक करना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। दिख रहा ये कौशिक का सामान है, सी चित्रा पड़ा है हमारा। जाने वक्त में इतना हड़बड़ हो गया था कि हम लोग बुक्स को भी नहीं हटा पाए थे, प्लेट्स वैसे ही रह गया हुआ था। फिर उसके बाद ये कपड़ा यहाँ पे ऐसे रहा हुआ था, फिर यहाँ पे ट्राईपॉड, मैंने अभी ट्राईपॉड ऊपर रखा था मैंने, वो अभी मैंने नीचे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सामान, मतलब हर जगह बस सामान सामान सामान, मतलब कहीं पर भी कुछ भी भर के रखा था हमने। तो अभी मुझे बैठ के सब चीज़ मिलाना है ताकि मैं आराम से सो पाऊँ और कल से मेरा फ्रेश डे स्टार्ट हो पाए। स्टार्ट करें, मुझे कुछ गाइड कर दो यार, बहुत परेशानी हो रही है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सोच लेते हैं थोड़ा। तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो कपड़े हैं और वो जो चेयर में कपड़े हैं उसमें से कपड़े छाँटते हैं, और उसके बाद ट्रॉली को भी खोलते हैं, और उसमें देखते हैं कि मेडिको श्वेता अभी तक अच्छे से रह के, मतलब जो रैप हमने करा था वैसे वो ढंग से आ पाया है या नहीं हुआ। भगवान करे ऐसा कुछ ना हुआ, वो अच्छे से आया हो और हम अच्छे से लगा पाए उसे, बट लेट्स सी। मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि क्या सीन है वहाँ पर। तो चलो अनपैकिंग कर दिया अपने मेडिको श्वेता चीज़ को, और ये काफ़ी सेफली आ गया हुआ है। अब हम इसे सोच रहे हैं कि कहाँ लगाएं, तो शायद आई गेस मैं यहाँ लगाऊंगी बेड के ऊपर में, या लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि मुझे और कोई बेटर ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्टडी टेबल के उस तरफ में है, क्या है वो विंडो है, तो आई गेस यही बेटर ऑप्शन होगा मेरे पास में। मैं देखती हूँ उसका लाइटिंग वगैरह, बाकी लेट्स सी। चलो इसे हम अभी पहले सेफली कोई जगह पर रख देते हैं ताकि ये कुछ भी ख़राब ना हो। Oh, my God.
पैक कर दिया है, तो वो ट्रॉली को हम लोग पहले भी रखते हैं उस कॉर्नर पे, बाकी वो छोटे ट्रॉली को पैक करते हैं, और फिर जो शूज़ वगैरह है उसको भी पहले इसमें डालते हैं। बहुत ज़्यादा शूज़ रैक में ही बाहर ही बाहर है सब चीज़ यार, मैं परेशान हो जाऊँगी, पता नहीं मैं कहाँ सोऊँगी। पता चला मैं योगा मैट बिछा के नीचे ही सोने वाली हूँ, मुझसे ना हो रहा है ये सब, बट कोई बात नहीं, विल नॉट लूज होप और सारा चीज़ करके रहेंगे। पूरा खाली हो गया, इसमें भरा है मैंने और वो ट्रॉली में भरा है, और ये चेयर खाली हो गया फाइनली, और बाकी अलमीरा का मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ मिला लिया है। इसके पीछे मैंने ड्रेस मतलब जो मेरा टी शर्ट्स है जो बाहर पहन के जा सकते वो रखा है, यहाँ पे नॉर्मल कुर्ती रखा है, यहाँ पे पैंट्स है कुर्ती का, और उसके बाद ये मतलब जो कैजुअल हर दिन कॉलेज से आने के बाद कुछ कैजुअल नॉर्मल पहनने के लिए दिन भर में, ये सारा है। एंड यहाँ पे मैंने नाइट सूट और सारी की चुन्नी रखे हैं सारी कुर्ती के, ताकि मुझे इजीली मिल जाए। ये मेरा विंटर वेयर रखा है मैंने, ये है खाने पीने का सामान जो भी था, और बाकी अभी तो कर लिया इतना किया है। ये जो एरिया है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कल आके मिलाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, मेरा तो बाल वाल पूरा वो हो गया है, पर इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बस इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि लग रहा है मैं सोने चल जाऊँ तुरंत से, या फिर पहले खा लूँ, भूख भी लग गया है। तो बाकी ये जो बुक रैक है मैं सोच रही हूँ ये मैं कल मिलाऊँ, क्योंकि एक ही बार मैंने सब चीज़ करने का कोशिश करा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो जाएगा। कल सुबह सुबह जल्दी भी उठना है कॉलेज के लिए, और आदत भी छूट चुका है इतना देर बैठने का, तो ट्राई करें कि बैठ पाए। मैं बाल बाल झाड़ ही रही हूँ, आई होप ठीक ही लग रहा होगा यार, मेहनत किया है थोड़ा तो होलिया बिगड़ेगा ही, तो इट्स फाइन। तो कहाँ थे हम लोग, तो हाँ, तो अभी ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ मैं दिखाने के हाल में नहीं हूँ। मैं जब मिलाऊँगी तो फिर नेक्स्ट डे करके दिखा दूँगी मैं सारा चीज़। और रहा बात बाकी, मेरी रूममेट अभी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मुझे मिरर ऑर्डर करना है, मुझे थोड़ा वॉल डेकोर के लिए कुछ कुछ ऑर्डर करना है, मैंने लाइट पता नहीं कहाँ रखा है, मेरे पास लाइट भी था वो भी लगाना है। तो ये सारा चीज़ करेंगे धीरे 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 धीरे, पूरा रूम को सेटअप करेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाए यही रूम है कि नहीं है, क्योंकि चांसेस ऐसा हो कि हम लोग शिफ्ट भी हो सकते तो लेट्स सी। ठीक है, तो चलो आप लोग भी अच्छे से रहना, खाना वाना खा लेना, मिलते हैं हम लोग बाद में या नेक्स्ट डे, तो बाय।